ध्यान से सुनिएगा, जिसने मेरी जिंदगी परिवर्तित कर दी। मैं आपको बताता हूं, राजस्थान से मैं मूव किया था सूरत गुजरात। जब मैं सूरत गुजरात आया तो आप जानते हैं सबसे पहला काम मैंने क्या किया। मैंने सबसे पहला काम तो नहीं कहेंगे, लेकिन मैंने उसको किया और आज मैं उसी की वजह से पैसा कमा रहा हूं। मैंने सबसे पहले, मेरे पास पैसे नहीं थे, सच बता रहा हूं, मेरे पास पैसे नहीं थे, थोड़े बहुत पैसे थे, जिससे शायद इंसान ये सोचता है कि महीने का किराया निकल जाएगा या फिर आटे दाल का हमारे पास पैसा बचा हुआ है। साहब, मैंने उन पैसों से घर पे वाईफाई लगवाया था, सूरत के अंदर मुझे याद है पूरे साल भर का 5,000 रुपया था। मैंने उसको बोला मेरे पास 5,000 रुपया नहीं है, लेकिन मेरे को इंटरनेट की जरूरत है, अभी मैं आपको 2,000 रुपए पे कर देता हूं। मैंने उसको 2,000 रुपए दिए, मेरे घर पे वो इंटरनेट लगा के गया और आप बिलीव करेंगे वो 5,000 का इंटरनेट जो उसने लगाया, मैंने महीने भर अपनी स्किल को सीखा और उसी महीने के अंदर अंदर मैंने एडवांस में 20,000 रुपए कमाया था उसी से। चीज का उपयोग पॉजिटिवली और नेगेटिवली हो सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है साहब, वो आप पे डिपेंड करता है। मोबाइल सबके पास होता है, कोई मोबाइल पे गलत चीजें देख रहा होता है, कोई मोबाइल पे चीजें सीख रहा होता है, और चीजें सीखनी साहब आपको कभी ना कभी कोई ना कोई चीज काम आएगी। जो लोग कहते हैं कि मोबाइल पे सिर्फ टाइम वेस्ट होता है, गलत बात है। मैं आपको बता देता हूं, मेरे मोबाइल में मैंने आज तक कभी कोई गेम नहीं खेली। वो चीजें देखता हूं जिससे मेरी स्किल डेवलप हो, मैं वो चीजें देखता हूं जिससे जो मुझे मेरे दिमाग को बढ़ाए। मैं कभी अपना समय बर्बाद नहीं करता हूं। मोबाइल मैं आपको बताता हूं, सुबह उठता हूं शाम को मेरे हाथ में, सुबह से शाम तक मेरे हाथ में मोबाइल रहता है, लेकिन वो मोबाइल मैं हमेशा पॉजिटिव चीजों के लिए इस्तेमाल करता हूं। लर्न हाउ टू डेवलप योर स्किल, कभी समय बर्बाद नहीं करता हूं साहब। इसलिए टेक्नोलॉजी कई लोगों के लिए वरदान है और कई लोगों के लिए अभिशाप साहब। वो आप पे डिपेंड करता है कि आप उस मोबाइल का यूज कैसे करना चाहते हैं। कई लोगों को सिर्फ एक ही बात समझ में आती है, लड़की पटा लूं, लड़का पटा लूं, या फिर मेरा कोई फ्रेंडशिप हो जाए, किसी से मैं चैट कर लूं, किसी से बात कर लूं। साहब, मैंने ये चीज सोची नहीं, जिंदगी में एक ही बात समझी, पैसा है तो इंसान सुरक्षित है और इसको आप नकार नहीं सकते। भावनाओं में मत बहिए साहब, आप जानते हैं इस बात को, ये झूठ नहीं है। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन आज पैसा बहुत कुछ है, ये बात आप जानते हो और इसे नकार नहीं सकते।